तीन माह की बच्ची सहित तीन शवों के मिलने से शहर में सनसनी, हत्या की बताई जा रही आशंका। सफाई का निरीक्षण करते हुए निगम आयुक्त हुए नाराज, जोन प्रभारी को लगाई फटकार। तीसरा दिन रहा राहत भरा, नहीं दर्ज हुए एक भी नए कोरोना संक्रमित केस। पांडुर्णा में ऑक्सीजन प्लांट के फाउंडेशन का किया गया निरीक्षण, 600 लीटर ऑक्सीजन प्लांट की हो रही है स्थापना। और सौसर विधायक ने ग्रामीणों की समस्या का ऑन द स्पॉट किया निपटारा। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और खबरें देखते हैं अब विस्तार से। एक ही दिन में तीन लोगों के शव मिलने से शहर में सनसनी फैल गई है। देहात थाना क्षेत्र के गाडरी ढाना स्थित पुरानी आरटी ऑफिस के पीछे रहने वाली एक महिला और उसकी तीन माह की बेटी की किन्हीं बदमाशों ने गला घोटकर हत्या कर दी और दोनों शवों को भूसे के ढेर में छुपा दिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में देहात थाना टीआई मोहन सिंह मरसकोले का कहना है कि फिलहाल मर कायम कर मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। इधर इसी थाना क्षेत्र के ग्राम गुरैया नाला में एक युवक का शव मिला है जिसके चेहरे पर चोट के गंभीर निशान पाए गए हैं। युवक कौन है अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। शहर में गुरुवार को एक साथ तीन हत्याओं से सनसनी फैली हुई है। हालांकि तीनों मामलों में पुलिस अब तक कुछ कहने की हालत में नहीं है। ये महिमा कहार पति सुनील धिरवे हैं, उम्र 20-22 वर्ष है और इसकी बिटिया रुचिका पिता सुनील धिरवे तीन माह की है। उनकी लाश उनके ही खेत में मिली है, तो प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। बाकी अभी प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना की जाएगी। हाँ, गाड़ी ढाना नए आरटीओ ऑफिस के पीछे एक महिला है, महिमा है तो कहार वो, लेकिन किसी सुनील ध्रुवे के साथ उसके साथ रह रही थी। उसकी एक बच्ची तीन माह की, ये दोनों उनका खेत है, वहाँ पर एक भूसा का ढेर था, गेहूँ का भूसा का ढेर में वहाँ लाश मिली हुई थी। और उसके पति ने सूचना दिया था कि यहाँ पर दो लोगों की लाश पड़ी हुई है, तो पुलिस मौके पर पहुँची है और मर कायम करके जाँच की जा रही है। क्या लगता है सर, क्या अब चूँकि लाश भूसे के ढेर में मिली है तो संभवतः हत्या है, लेकिन अभी मर्ग जांच करने के उपरांत पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जो उसमें तथ्य आएंगे। सुबह सुबह निगम आयुक्त हिमांशु सिंह सफाई कार्यों को देखने के लिए ईदगाह मैदान, वार्ड नंबर 17 गांधीगंज, वार्ड नंबर 29 छापाखाना एरिया, वार्ड नंबर 31 बुधवारी बाजार क्षेत्र का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 29 के सुपरवाइजर विनोद मंडराहा और जोन प्रभारी अरुण कुमार गड़ेवाल को फटकार लगाकर चेतावनी दी कि व्यवस्था नहीं सुधरी तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान साथ में प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मालवी मौजूद रहे। दो दिनों में 40 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार एक भी केस रात 8 बजे तक प्रकाश में नहीं आया है, जिससे जिले में फिलहाल राहत महसूस हुई। गुरुवार को जारी बुलेटिन के अनुसार 166 व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों की मृत्यु के बाद 96 के ठीक होने की जानकारी है, जबकि जिला चिकित्सालय का आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अब भी 68 ही है। जानकारी के अनुसार 561 सैंपल की जांच लंबित है और 219 सैंपल रिजेक्ट हुए हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीसी चौरसिया द्वारा जिले के पांडुर्णा के सिविल अस्पताल में स्थापित होने वाले ऑक्सीजन प्लांट के फाउंडेशन का निरीक्षण किया गया। गौरतलब है कि पांडुर्णा के सिविल अस्पताल में 600 लीटर टैंक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है, जिससे लगभग 100 बिस्तरों के ऑक्सीजन की सप्लाई का कार्य हो सकेगा। निरीक्षण के दौरान इंजीनियर रंजन कैथवास, बीएमओ डॉक्टर अशोक भगत और जिला स्वास्थ्य मीडिया अधिकारी डॉक्टर प्रमोद वासनिक भी साथ में थे। मौखेड़ विकासखंड की ग्राम पंचायत जमुनिया माल पंचायत का दौरा सौंसर विधायक विजय चौरे ने किया। उन्होंने गांव में जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर ऑन स्पॉट समस्या समाधान किया। ग्रामीणों ने विधायक से कुकड़ी खापा, जलप्रवाह सौंदर्यीकरण और सड़क निर्माण, पेयजल समस्या निराकरण कराने की मांग की, जिस पर विधायक ने गंभीरतापूर्वक निराकरण किए जाने की बात कही। राजस्व एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त अमले के द्वारा आज शहर की प्रमुख सड़कों में फ्लैग मार्च करते हुए कोरोना वायरस से बचाव के लिए आम जनता से अपील की गई। साथ ही फिजिकल डिस्टेंस के संदर्भ में भी बताया गया। रक्षाबंधन और ईद के त्योहारों के मद्देनजर शहर के बाजार में भीड़भाड़ उमड़ पड़ी थी, इसी के चलते प्रशासन ने आम जनता को विशेष संदेश देने के लिए मुहिम चलाई है। इस दौरान एसडीएम मधुवंत राव ध्रुवे, तहसीलदार कमलेश्वर राम नीरज, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एस के सिंह, नगर निरीक्षक राजेंद्र सिंह बिसेन, एसआई एकता सोनी सहित पुलिस और राजस्व अमला मौजूद रहा। कोई भी बिना मास्क नहीं रहेगा, जिसका काम हो जाता है बाजार हो जाता है, जल्दी जल्दी घर पहुंचे, अनावश्यक खड़े होकर टाइम पास नहीं करना है।
अनुविभागीय अधिकारी सौंसर को बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा द्वारा महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली के नाम से ज्ञापन दिया गया, जिससे सीएए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ एएमयू जेएनयू यूनिवर्सिटी में सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने वालों को जल्द से जल्द रिहाई की मांग की गई। मोर्चा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर कफील और उनके साथियों को कोर्ट में पेश होने नहीं दिया जा रहा है, बेबुनियाद इल्जामों में साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, जिससे वे विरोध करते हैं, उनकी रिहाई की मांग करते हैं। जिला महाराष्ट्रीय स्वर्णकार समाज के तत्वाधान में जमुनिया निवासी पीड़ित मासूम के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले और आरोपियों को कठोर दंड मिले, इसके लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने में समाज के जिला उपाध्यक्ष राम कुमार सोनी, जिला सचिव भास्कर राव सोनी, जिला युवा अध्यक्ष राकेश बुझाड़े, नगर सचिव मुकेश बांगड़े आदि शामिल रहे। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं दांतों की सड़न का इलाज, लेमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। IAS, IPS और IFS ऑफिसर बनने के सपने को दीजिए नई उड़ान निदेशी एकेडमी के साथ। अब UPSC, MPPSC और ACF की तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं, आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में है ब्रांड न्यू कोचिंग क्लासेस निदेशी एकेडमी, जहां आपको मिलेगी विदाउट गैप रेगुलर क्लासेस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पर्सनल मेंटरिंग टू ईच स्टूडेंट, डेली स्मार्ट नोट्स मेकिंग, कंप्लीट कवरेज ऑफ एग्जाम्स, Highly qualified and experienced faculty. Admissions open for UPSC 2021 और MPPSC 2020. जल्द संपर्क करें Nidishi Academy, Professor Colony, Model Road, Tribal Museum के पास छिंदवाड़ा। Phone number 7024903666 और 9958671131। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। शाही एक्सपोर्ट के बंद करने के मामले में BMS के द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और महिलाओं को फिर से काम पर रखने की मांग की गई। उन्होंने श्रम अधिकारी के एक्सपोर्ट प्रबंधन के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि नियमानुसार 60 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, लेकिन महिलाओं को 15 दिन पहले नोटिस देकर काम बंद करने के लिए कहा गया है। और शाही एक्सपोर्ट मजदूर यूनियन ने अभी तक जो भी मजदूरों के हितों के संदर्भ में और शाही एक्सपोर्ट पुनः प्रारंभ हो इसने जो आंदोलन किए, जो ज्ञापन दिया, उसकी जानकारी माननीय कलेक्टर महोदय को विस्तार पूर्वक दी और उनसे अनुरोध किया कि शाही एक्सपोर्ट चालू कराया जाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का 27 नवंबर 2015 का जो 100 से 300 यानी पहले जो 100 एम्प्लॉय थे तब भी सरकार हस्तक्षेप करती थी, अब 300 हो चुका है और यहां पर संख्या कम है, ये थोड़ा मैं असमर्थ व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि दूसरा विषय यह है कि 60 दिवस पहले नोटिस देना अनिवार्य है, शाही एक्सपोर्ट ने केवल 15 दिन पहले नोटिस दिया, इसलिए 45 दिन हमारे पास अभी भी समय है। साथ में तीसरा बिंदु कहा कि जो मिस्टर JD गिरी, इनके जो डायरेक्टर हैं, वो आज तक जहां पर चुके उनके नाम से सभी शाही एक्सपोर्ट चल रही है, इसलिए उनसे चर्चा की जाए और नहीं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। कोरोना काल में ऐसा दृश्य शायद किसी बड़ी चूक को अंजाम दे सकता है। ये दृश्य जिले के चांद तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत परस गांव सर्रा के किसानों का है, जिन्हें खाद के लिए पहले भटकाया जाता है और जब खाद आती है तो सिर्फ एक दो बोरी देकर चलता कर दिया जाता है। किसानों का आरोप है कि खाद आती है तो दलालों के माध्यम से कुछ दुकानों तक पहुंच जाती है। शाम 6 बजे सैकड़ों की संख्या में एकत्र किसान ना तो मास्क लगाए हुए हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही थी, क्योंकि इन किसानों की मेहनत की फसल को बिना खाद नष्ट हो रही है। बताया जा रहा है कि फसल की चिंता में खाद नहीं मिलने के कारण व्यग्र किसान पथराव तक करने लगे हैं। मध्य प्रदेश अभिभावक संघ और प्राइवेट स्कूल संचालकों के बीच फीस और ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। संघ के जिलाध्यक्ष राजेश जैन और नगर अध्यक्ष रोहित मालवीय, मनीष जैन, अजय साहू, निशिकांत दुबे सहित अन्य लोगों ने अभिभावक संघ ने बताया कि
कोरोना काल में लॉकडाउन और अन्य समस्याओं की वजह से बनी आर्थिक परेशानियों के चलते कई बच्चों के पेरेंट ट्यूशन फीस नहीं दे पा रहे हैं। इसकी वजह से कई बच्चों को स्कूलों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है। अभिभावक संघ, अभिभावक संघ। सौंसर क्षेत्र का बोरगांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन 4 दिन के लॉकडाउन में कंपनी को बंद नहीं करना चाहते थे, जिसके लिए वे कंपनी के आर्थिक नुकसान की बात कह रहे हैं। दरअसल कंपनी मालिक और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बातचीत के दौरान जहां अधिकारियों ने लॉकडाउन का पालन करने की बात कही, वहीं कंपनी प्रबंधन अपने आर्थिक नुकसान को लेकर कंपनी में काम करने की बात पर अड़ा है, जिस पर अधिकारियों ने लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। बाद में एक कोर कमेटी बनाकर कलेक्टर और एसडीएम से मिलने की सहमति भी बनी। आपको बता दें कि जिन 4 दिनों के काम करने के लिए कंपनी नुकसान की बात कर रही है, उन 4 दिनों में शनिवार, रविवार, रक्षाबंधन और भुजलिया के त्योहारों के कारण वैसे भी अवकाश रहता है। और रही बात आपको मैं बता दूं कि इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट जो आप बोल रहे हैं ना, उसमें भी ये है कि वो थ्रू बाईपास है, बाईपास से जाने का, ना कि सिटी में घुसने के लिए, थ्रो बाईपास। आप बाहर से निकलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अंदर आएंगे तो हम रोकेंगे आपको। सौंसर में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और मुंह पर मास्क नहीं बांधने की बार बार आ रही शिकायतों के बाद नगरपालिका और पुलिस प्रशासन के द्वारा गुरुवार को नगर में भ्रमण करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई करते हुए बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। इससे 50 लोग मिले। नगर के बस स्टैंड से लेकर कार्रवाई की टीम के द्वारा बाजार, अम्बेडकर चौक, नागपुर, छिंदवाड़ा मार्ग, वार्डवार और दुकानों में सामान लेने आए हुए लोगों के मुंह पर मास्क नहीं नजर आया तो कार्रवाई की गई। 5,000 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। बेटे ये लॉकडाउन के बाद छिंदवाड़ा जाना पड़ेगा। प्रफुल्ल सुरजी से, प्रफुल्ल सुरजी से के, प्रफुल्ल सुरजी से। सतपुड़ा लॉ कॉलेज के विधि संकाय के कुछ विद्यार्थियों का पिछले 7 महीने से रिजल्ट सागर विश्वविद्यालय द्वारा घोषित नहीं किया गया, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय था। छात्र किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पा रहे थे। इस समस्या के समाधान के लिए रेखा बिलवंशी और अन्य छात्र छात्राएं केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिली थी। उन्होंने छात्र छात्राओं को आश्वस्त किया था कि छात्र छात्राओं का भविष्य खराब नहीं होने देंगी। उइके के द्वारा सागर विश्वविद्यालय के पत्र भेजा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप सागर विश्वविद्यालय द्वारा छात्राओं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर और छात्रा रेखा बिलवंशी और अन्य छात्राओं ने राज्यपाल अनुसुईया उइके के प्रति आभार व्यक्त किया है। सावन महोत्सव पर्व के चलते प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी छिंदवाड़ा जिले के ग्राम तुर्कीखापा के चमत्कारिक हनुमान मंदिर में हिंदुत्व समिति युवाओं द्वारा संगीत में अखंड रामायण पाठ किया जा रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस मंदिर में जो मुरादें मांगी जाती हैं वह मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अखंड रामायण पाठ का समापन आज महाप्रसादी भंडारे का समापन होगा। जिला पंचायत सभाकक्ष में आज उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण द्वारा डिप्टी डायरेक्टर एस के गुप्ता द्वारा यूनिक कार्ड जनरेट और प्रगति के संबंध में समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई और जल्द से जल्द यूनिक कार्ड के संबंध में जानकारी प्रदान करने और लोगों के समय अनुसार कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए। बैठक में समस्त जिला विस्तार अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नोवल कोरोना वायरस COVID-19 और उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव के लिए लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालय आगामी 31 अगस्त तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार समय समय पर विभागीय आदेशों के अनुसार ऑनलाइन अध्यापन की गतिविधियां जारी रखी जा सकेंगी। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास और जिला शिक्षा केंद्र के जिला परियोजना समन्वयक के साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।